नमस्कार। लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज ऑफ मुंबई इस कार्यक्रम में मैं प्रतीक आमरे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज जिस भाषा के बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसके बारे में जानेंगे, उसका नाम है भोजपुरी। भोजपुरी ये भाषा उत्तर प्रदेश के पूर्वीय भागों में, मतलब पूर्वांचल में, और बिहार के पश्चिमी भागों में ज़्यादातर बोली जाती है, ज़्यादातर पाई जाती है। मुंबई में भोजपुरी मतलब बिहारी या फिर उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग काफ़ी अरसों से यहाँ पर स्थित है और उनके द्वारा भोजपुरी बोली का काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके दैनंदिन जीवन में इस भाषा को काफ़ी ही ज़्यादा महत्व प्राप्त है। भोजपुरी भाषा भारतीय आर्य समुदायों में से एक भाषा है या उस समुदाय से जुड़ी हुई एक भाषा है। भारत में तकरीबन 5.5 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा का अपने दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं। भोजपुर में कुछ शब्द है, मतलब भोजपुरी भाषा के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो भोजपुरी भाषा के कुछ शब्द हम जान सकते हैं, जैसे कि हम भोजपुरी भाषा में हम मैं को कहा जाता है, मतलब जब मैं अपने बारे में कहता हूँ, जब मैं, तो मैं को हम भोजपुरी में कहा जाता है। रविवार को इतवार भोजपुरी में कहा जाता है। अगर कुछ मेरा है तो मैं कहूँगा कि वो हमार है, या फिर कुछ आपका है तो वो तुहार है, ऐसा भोजपुरी में कहा जाता है। भाषा इतिहास में कैथी लिपि में लिखी जाती थी और अब समय के चलते वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि। भोजपुरी भाषा हिंदी भाषा की एक बोली भाषा है जो अब भी मगधी और मैथिली जैसी भाषाओं से प्रेरित। भोजपुरी बोली या फिर भोजपुरी भाषा के बारे में आज जो कुछ भी मैंने आपको जानकारी दी है, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फायदेमंद रही होगी। धन्यवाद।